नमस्कार, सेवन सी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं छवि और मैं हाजिर हूं हिमाचल की तमाम चुनावी सरगर्मियों के साथ हिमाचल आजकल में। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। मतदान तारीख नजदीक आते ही दिग्गज नेताओं ने प्रचार में झोंकी ताकत। धूमल ने मंडी में तो वीरभद्र सिंह ने सोलन में पार्टी उम्मीदवारों के लिए मांगे वोट। हिलोपा अध्यक्ष महेश्वर सिंह ने रामपुर में की लोकायुक्त लागू करने की वकालत। धूमल सरकार पर भी किए प्रहार। चुनाव नजदीक आते ही सुजानपुर में नेताओं ने तेज किए शब्दों के बांध। तिकोना मुकाबले ने भाजपा कांग्रेस की ढलाई मुश्किलें। और शिमला के रिज मैदान पर आधुनिक तकनीक युक्त मशीनों की लगाई प्रदर्शनी। अपराध से जुड़े मामलों को सुलझाने में होगी सहायक। और आइए अब जानते हैं समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख समीप आते ही नामांकन प्रक्रिया समाप्त होते ही चुनाव अभियान ने तेजी पकड़ ली है। भाजपा कांग्रेस समेत सभी छोटे बड़े दलों के दिग्गज एक ही दिन में कई जनसभाएं कर मतदाताओं से वोट मांग रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने मंडी जिले के नाचन विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा सरकार के कार्यकाल में किए गए विकास के नाम पर लोगों से वोट मांगे। हिमाचल में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान को अब कुछ ही दिन बचे हैं और नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के साथ ही चुनाव अभियान ने जोर पकड़ लिया है। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया खत्म होने के बाद पहली जनसभा को नाचन में संबोधित करते हुए प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि दिलेराम ने बीजेपी सरकार में क्षेत्र में बहुत विकास कराया है और अब युवा नेता को भी लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। जनसभा में जुटी भीड़ को देख प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि बीजेपी सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया है। यही कारण है कि आज लोग खुलकर बीजेपी का साथ दे रहे हैं। वो परियोजना का पहला शिलान्यास इस सरकार में मैंने जनवरी 2008 में किया था और उसका उद्घाटन 22 जुलाई को इसी साल करके आपको समर्पित किया है। वो देश की अनूठी योजना है, पहली योजना है, इसका श्रेय मैं दिलेराम जी को देता हूँ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष वीरभद्र सिंह के सीडी प्रकरण पर उन्होंने कहा, पहले सीडी आने पर भी वीरभद्र ने इसे बीजेपी की साजिश बताया था और अब टीवी चैनल द्वारा खबर के लिए भी बीजेपी को दोषी बता रहे हैं। कॉमनवेल्थ कोयला घोटाला और इस्पात मंत्रालय में घोटाला कांग्रेस कर रही है। उन्होंने कहा कि सब बातों का ध्यान रखते हुए ही जनता वोट देगी। अब एक नई बात आ गई, कांग्रेस के अध्यक्ष आकर दिल्ली से नया तमगा लेके आए हैं। विनोद जी उनकी सीडी का जिक्र कर रहे थे। अरे विनोद कुमार जी, जब 2007 में वो सीडी बजी थी तो हाईकोर्ट से कांग्रेस ने स्टे लिया था। जयराम ठाकुर पार्टी प्रेसिडेंट थे और फिर कहने लगे इसमें धूमल का हाथ है। अब एक नया तमगा खड़ा हो गया, कहीं छापा केंद्र के इनकम टैक्स ने डाला, डायरी उसकी पकड़ी गई, नाम किसी का आया है, कोई बीबीएस है, कोई चैनल वाला कह रहा है कौन बीबीएस है, तो कह रहा है धूमल ने बना दिया। केंद्र में सरकार कांग्रेस की, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कांग्रेस के पास, छापा केंद्र का विभाग डाल रहा है, केंद्र के किसी का नाम आ रहा है। धूमल ने कहा कि प्रदेश के केंद्र में दो मंत्री होने के बाद भी हिमाचल का स्पेशल पैकेज कम कर दिया गया है। चावल, चीनी, केरोसिन का कोटा खत्म किया है और कोर्ट द्वारा बीबीएमबी से हमें दिए गए 4250 करोड़ रुपए भी दिलवाने में नाकाम रही है। धूमल ने मंडी के नाचन में बीजेपी प्रत्याशी विनोद कुमार, बलह में प्रत्याशी इंदर सिंह गांधी तथा मंडी के सेरी मंच पर डीडी ठाकुर के लिए जनसभाओं को संबोधित किया। मंडी से अंकुश सूद की रिपोर्ट, 7C हिमाचल आजकल।
विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरने और प्रत्याशियों के पक्ष में समर्थन मांगने के लिए विभिन्न पार्टियों के दिग्गज प्रचार में जोर शोर से जुट गए हैं। कांग्रेस के दिग्गज व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वीरभद्र सिंह ने सोलन जिला के कई स्थानों पर पार्टी प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगा। विभिन्न स्थानों पर उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी का प्रचार अभियान काफी देर से शुरू हुआ और अब मतदान को कुछ ही समय बचा है। ऐसे में पार्टी के दिग्गजों समेत हर कार्यकर्ता चुनाव प्रचार में दिन रात जुट गए हैं। प्रदेश कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने एक ही दिन में कई इलाकों का तूफानी दौरा कर लोगों का जन समर्थन जुटा रहे हैं। वीरवार को उन्होंने सोलन जिले के कई स्थानों में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सोलन में जनसभा को संबोधित करते हुए वीरभद्र सिंह ने भाजपा नेताओं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सोलन शहर के विधायक राजीव बिंदल घोटालों के जन्मदाता हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री धूमल को घोटालों के लिए प्रेरणा देने वाले नेता बताया। उन्होंने कहा कि अब जनता सब समझ चुकी है और यह जानती है कि कौन भ्रष्ट है और कौन नहीं, और इसका जवाब सोलन की जनता चुनावों में देगी। और आपको जो जो इंद्र साहब भी अपने कुछ डॉक्टर कहते हैं कहीं पूछे तो उन्होंने जो है वो प्रूव होगा और जड़िया की होगी मगर वैध बनेंगे। यहाँ खुद का हमारा पांच साल सिस्टर रहे जो कुछ करना तक किया सारे जो उनके काम है उसके जन्मदाता वही रहे। वहाँ पे हमारे जी के मुख्य सलाहकार मुख्य ये घोटालों में इतना उनको कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित है। सोलन में कांग्रेस प्रत्याशी धनीराम शांडिल ने लोगों से उनके समर्थन में वोट देने का आग्रह किया। अगर आप एक एक आदमी को लाएंगे हम काउंटिंग करेंगे और आपका कंपटीशन करेंगे। इसी को पर होगा हम अपने पूर्ण बहुमत से जाएंगे और अगर वीरभद्र सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाकर मेरा भी एक वोट होगा। मैं आपको आश्वासन देता हूँ सर, अगर हम यहाँ से निश्चित रूप में आपको ये सोलन का क्षेत्र है, ये प्रदेश द्वार है हिमाचल का, यहाँ से पूरी बढ़त देंगे लोग। उल्लेखनीय है कि टिकट आवंटन में हुई देरी की वजह से कांग्रेस पार्टी का प्रचार अभियान शुरुआती दौर में धीमा था, मगर अब दिग्गजों समेत सभी छोटे बड़े कार्यकर्ताओं इसमें जी जान से जुट गए हैं। सोलन से स्नेहल की रिपोर्ट, 7C हिमाचल आजकल। हिमाचल लोकहित पार्टी के अध्यक्ष महेश्वर सिंह ने कहा है कि अगर हिलोमो गठबंधन सरकार आती है तो अन्ना टीम के सुझाव के अनुरूप लोकायुक्त बिल होगा। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने धूमल सरकार पर कई निशाने साधे, जबकि वीरभद्र सिंह पर लगे आरोपों को वे टाल गए हैं। हिलोपा सुप्रीमो महेश्वर सिंह ने रामपुर में धूमल सरकार पर कई निशाने साधे, वहीं वीरभद्र सिंह के VBS और VS मामले को वो टाल गए। पत्रकार वार्ता के दौरान महेश्वर ने कहा कि अब तक जो मामले भ्रष्टाचार के सामने आए वे छोटे मुलाजिमों के 50 रुपए से हजारों रुपए में आए हैं, लेकिन जो प्रदेश को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है उन पर कोई हाथ नहीं डालता। उन्होंने बताया कि पर्यावरण को बचाना है तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को लकड़ी में ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दें, क्योंकि गांव में बैठे व्यक्ति को गैस घर पहुंचाने में काफी पैसा लगता है, अन्यथा लोग जंगली लकड़ी को ईंधन के रूप में इस महंगाई में प्रयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण लोगों को जो परंपरागत अफीम और बाग उगाते थे उन्हें इसकी इजाजत दी जानी चाहिए, लेकिन इसका दुरुपयोग ना हो इसकी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हिलोमो गठबंधन सरकार आती है तो आम आदमी की सरकार बनेगी और योजना में हर वर्गों का ख्याल रखेगी। देखिए, वो केंद्रीय सरकार की जो बातें हैं, अभी तो हम जानते हैं इस बात को कि आज चाहे वो कांग्रेस है चाहे भारतीय जनता पार्टी है, सबके नाम इस चीज में आ रहे हैं और इन सब की छानबीन होनी चाहिए, इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये कहते कि इस चीज का दुरुपयोग है उसको सरकार लागू कर दे, अभी वो होना चाहिए। दुरुपयोग के हम हकदार नहीं है, लेकिन इस बात के हम पक्षधार है कि इस आड़ में किसी चीज का सदुपयोग समाप्त नहीं होना चाहिए। हमारा ये प्रयास रहेगा कि जैसे अफीम की खेती है उसके लिए केंद्र से साथ जोरदार पक्ष रखे कि अगर मध्य प्रदेश में इस प्रकार की परमिशन दी जा सकती है तो हिमाचल ने क्या पाप किया है। और जैसे जगह जगह भांग के झोल ठेके आपको उत्तर प्रदेश वगैरह में देखने को मिलते हैं, तो उसी आधार पर हिमाचल को भी इस प्रकार से कंसीडर करना चाहिए। खा जाएगा।
रामपुर से विशेष नेगी 7C हिमाचल आजकल। 6 में से 5 बार अलग अलग चुनाव चिन्हों पर चुनाव लड़ चुके महेंद्र सिंह इस बार भाजपा की टिकट पर मंडी के धर्मपुर चुनाव मैदान में हैं, जिनका चुनाव प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। सरका घाट में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए महेंद्र सिंह ने कहा कि धर्मपुर में अभूतपूर्व विकास हुआ है और यहाँ कई ऐसे काम भी हुए हैं जिनका लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। धर्मपुर क्षेत्र में तो अथाह विकास हुआ है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री अपने मुंह से इंडायरेक्टली कहा कि अथाह विकास। 100 करोड़ की एक स्कीम है, 85 करोड़ की एक दूसरी स्कीम है सिंचाई की, 40 करोड़ का एक हमारा ड्राइविंग स्कूल है जो राष्ट्रीय स्तर का है, एक पानी की स्कीम 40 करोड़ की है जो गौरफीडिया से मैंने शहरी विकास मंत्रालय से लाई है, एक रीजनल इंस्टीट्यूट है जो 60 करोड़ का है, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, बस स्टैंड धर्मपुर में एक बस स्टैंड धर्मपुर में बन करके तैयार हो चुका है, लोगों को सुरक्षित कर दिया गया है, संधोल का बस स्टैंड का काम बड़ी युद्ध स्तर पर चला है। इस बार धूमर साहब के नेतृत्व में दोबारा से हिमाचल प्रदेश में सरकार रिपीट करेगी और बहुत अच्छे सार्थक परिणाम दे रहेंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्दी हाजिर होंगे हिमाचल की कुछ और खबरों के साथ।